दोस्तों गोदरेज ने अपने 2023 के एयर कंडीशनर्स के मॉडल मार्केट में लॉन्च कर दिए हैं और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोदरेज के हेवी ड्यूटी 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर एयर कंडीशनर के बारे में। दोस्तों उससे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा गोदरेज के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि गोदरेज एक इंडियन कंपनी है और खासकर दोस्तों गोदरेज जो है वो काफी पॉपुलर है उनकी अलमारियों के लिए या फिर रेफ्रिजरेटर के लिए। दोस्तों बात करें एयर कंडीशनर की तो दोस्तों एयर कंडीशनर भी गोदरेज से काफी बढ़िया आपको देखने को मिलता है, खास करके इनकी जो प्राइस है वो काफी कम आपको देखने को मिलेगी, साथ ही दोस्तों टेक्नोलॉजी भी जो है वो आपको काफी बढ़िया देखने को मिल जाती है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम 1.5 टन हेवी ड्यूटी 5 स्टार इन्वर्टर एयर कंडीशन के बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा क्योंकि इसी तरीके के वैल्यूएबल वीडियोस आपको हमारे चैनल पर टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे जो कि आपका नॉलेज बढ़ाते रहेंगे। दोस्तों एक एयर कंडीशनर लेने से पहले आपको बहुत सारी बातों का ख्याल रखना होता है, जैसे कि आपको अपनी रूम की साइज के हिसाब से कितने टन का एयर कंडीशन लेना चाहिए। दोस्तों एयर कंडीशनर में स्टार रेटिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है उसका भी ध्यान रखना आपके लिए बहुत ही जरूरी होता है। इसके अलावा दोस्तों इन्वर्टर एयर कंडीशनर लें या फिर एक नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर लें उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। इन सब के ऊपर दोस्तों हमने एक डिटेल वीडियो आपके लिए बना हुआ है जो कि एक एसी बाइंग गाइड वीडियो है, आपको उस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। उस वीडियो के लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में मिल जाएगी। दोस्तों बात करते हैं गोदरेज के 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर हेवी ड्यूटी इन्वर्टर एयर कंडीशन की पूरी डिटेल्स के बारे में। दोस्तों इस एयर कंडीशन की कूलिंग कैपेसिटी की बात करें तो आपको 5050 वाट की कूलिंग कैपेसिटी मिलेगी और उस हिसाब से दोस्तों ये एयर कंडीशनर आपको प्रॉपर 1.44 टन का देखने को मिलेगा और इस एयर कंडीशनर को दोस्तों आप अप टू 160 स्क्वायर फुट तक के एरिया में यूज कर सकते हैं। वहीं पर आईसी रेटिंग की बात करें तो दोस्तों इस मॉडल में आपको 5.10 की आईसी वैल्यू देखने को मिलेगी और दोस्तों बी ने अपने स्टार रेटिंग पैरामीटर जून 2022 के बाद पूरी चेंज कर दिए हैं। अब जो न्यू स्टार रेटिंग है वो जिस किसी एसी की 5 या उससे ज्यादा प्लस की आईसी वैल्यू होगी वही एयर कंडीशनर जो है वो 5 स्टार में काउंट होगा। तो दोस्तों ये जो मॉडल है वो प्रॉपर आपको 5 स्टार रेटिंग के साथ देखने को मिलता है और बी स्टार रेटिंग के हिसाब से दोस्तों ये एयर कंडीशनर सालाना 765 यूनिट कंज्यूम करेगा। वहीं पर नॉइज लेवल की बात करें तो दोस्तों इस मॉडल में आपको 44 डेसिबल का नॉइज लेवल देखने को मिल जाएगा। वहीं पर दोस्तों कूलिंग कॉइल्स और कंडेंसर कॉइल की बात करें तो गोदरेज ने 100% कॉपर का यूज किया है और दोस्तों जो कूलिंग कॉइल्स हैं और कंडेंसर कॉइल्स हैं उसके ऊपर आपको ब्लू कलर की कोटिंग प्रोटेक्शन भी देखने को मिलेगा जो कि काफी बढ़िया है। वहीं पर रेफ्रिजरेंट गैस की बात करें तो दोस्तों इस मॉडल के अंदर आपको R32 रेफ्रिजरेंट गैस देखने को मिलेगी जो कि एनवायरमेंट इको फ्रेंडली ग्रीन गैस है, ओजोन लेयर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती और कूलिंग के मामले में काफी इफिशियंट है। अब हम बात करेंगे दोस्तों इस एयर कंडीशनर के फीचर्स के बारे में। दोस्तों गोदरेज के इस एयर कंडीशनर में आपको वेरिएबल स्पीड इन्वर्टर कंप्रेसर मिलेगा जिसमें गोदरेज क्लेम करता है कि दोस्तों 52 डिग्री एंबिएंट टेंपरेचर में भी आपको एक अच्छी कूलिंग देखने को मिलेगी। वहीं पर दोस्तों एयर फिल्ट्रेशन में आपको एंटी डस्ट फिल्टर, एक्टिव कार्बन फिल्टर, निनो कोटेड एंटी वायरल फिल्टर मिल जाते हैं जो कि हवा से डस्ट पार्टिकल को प्रॉपर रिमूव करेंगे और आपको एक हेल्दी फ्रेश एयर प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों इस मॉडल में आपको एंटी माइक्रोबियल सेल्फ क्लीन टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी या एक तरह की सेल्फ क्लीन टेक्नोलॉजी है जो कि दोस्तों आपकी जो भी कूलिंग कॉइल्स होती है उसके ऊपर जो भी मॉइस्चर फ्रीज हो जाता है उसको प्रॉपर क्लीन करेगी और आपको एक हेल्दी फ्रेश एयर जो है वो रेगुलरली प्रोवाइड करती रहेगी। वहीं पर दोस्तों इस एयर कंडीशनर में आपको इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व देखने को मिलेगा जो कि दोस्तों टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा और रिस्पॉन्स क्विकली करेगा जब कभी भी लोड जो है वो चेंज होगा आपके एयर कंडीशनर के ऊपर और ये इलेक्ट्रिसिटी भी सेव करेगा। वहीं पर दोस्तों इस एयर कंडीशनर में आपको जो पीसी भी मिल रही है उसके ऊपर आपको पावरफुल मेटल गार्ड यानी कि एक तरह का कोटिंग प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है और वहीं दोस्तों आउटडोर यूनिट के ऊपर दोस्तों जो कंप्रेसर है उसके ऊपर आपको एकोजेस्टिक जैकेट देखने को मिलेगा जिससे कि कंप्रेसर नॉइस काफी कम करेगा। बात करें दोस्तों इसके इंडोर यूनिट की साइज की और आउटडोर यूनिट की साइज की, दोस्तों इंडोर यूनिट आपको 11 केजी का देखने को मिलेगा, वहीं पर दोस्तों आउटडोर यूनिट आपको 26 केजी का देखने को मिलेगा। वारंटी की बात करें तो दोस्तों आपको एक साल की गोदरेज की ओर से
ओवरऑल प्रोडक्ट पर वारंटी मिलेगी, 5 साल की पीसीबी पर और 10 साल की आपको कंप्रेसर पर वारंटी मिल जाएगी। वहीं पर प्राइस की बात करें तो दोस्तों फिलहाल इस मॉडल की जो करंट प्राइस है वो है 37,490 रुपए, जिसकी बेस्ट वैल्यू मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दी है। लेटेस्ट प्राइस एंड फीचर के लिए आप बेस्ट वैल्यू को जरूर चेक कीजिएगा। दोस्तों बात करते हैं कि गोदरेज के इस एयर कंडीशनर को आपको किस कंडीशन में अपने लिए परचेस करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपने रूम की साइज को देखना है, अगर अप टू 160 स्क्वायर फुट तक का एरिया है तो ही इस एयर कंडीशनर को अपने लिए कंसिडर करें। नॉर्मली दोस्तों जो मार्केट में 1.5 टन के एयर कंडीशनर आते हैं उनके अंदर जो कूलिंग कैपेसिटी आपको देखने को मिलती है, किसी मॉडल में आपको 5275 वाट मिलेगी, किसी में 5200 वाट मिलेगी, किसी में 5100 वाट मिलेगी, और वो एयर कंडीशनर कैपेबल होते हैं अप टू 180 या फिर 200 स्क्वायर फुट तक के एरिया को कूल करने के लिए। लेकिन दोस्तों इसमें कमी आपको ये देखने को मिल रही है कि इसकी कूलिंग कैपेसिटी जो है वो आपको कम देखने को मिल रही है, और ये एयर कंडीशनर जो है दोस्तों आपको 1.44 टन का ही देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों कूलिंग में काफी ज्यादा इंपैक्ट आता है उसकी आउटडोर यूनिट की साइज से। दोस्तों इस मॉडल में आपको जो आउटडोर यूनिट मिल रहा है वो काफी छोटा मिल रहा है, उसका जो वेट है 26 केजी का ही देखने को मिल रहा है। दोस्तों आउटडोर यूनिट और इंडोर यूनिट अगर बड़े होते हैं तो सीधी सी बात है दोस्तों आपको कूलिंग कॉइल्स या कंडेंसर कॉइल्स आपको बड़े देखने को मिलते हैं, इससे कूलिंग में काफी ज्यादा फर्क आता है। लेकिन इस मॉडल में दोस्तों आपको जो आउटडोर यूनिट है वो 26 केजी का ही देखने को मिल रहा है। नॉर्मली दोस्तों जितने भी मॉडल मार्केट में आते हैं उसका जो वेट है आउटडोर का, किसी का 32 केजी होता है, किसी का 30 केजी होता है, किसी का 31 केजी होता है, और वो एसी जो है वो कैपेबल होते हैं अप टू 180 स्क्वायर फुट तक के एरिया को कूल करने के लिए। लेकिन दोस्तों गोदरेज में छोटा आपका आउटडोर मिल रहा है इसलिए 160 स्क्वायर फुट तक के एरिया के लिए ही इस एसी को कंसीडर करें। इसके अलावा दोस्तों गोदरेज की जो सर्विस सेंटर है वो हर जगह अवेलेबल नहीं है, तो दोस्तों बिफोर बाइंग इनके सर्विस सेंटर के बारे में आप पहले ही पता कर लें ताकि आपको आफ्टर सेल सर्विसेज कोई भी दिक्कत ना आए। लेकिन दोस्तों बात करें कि आपको किस कंडीशन में इस एयर कंडीशन को परचेस करना चाहिए। दोस्तों अगर आपका बजट काफी कम है, अराउंड अगर मान के चलें 38,000 के आसपास है, तो ये एसी आपके लिए एक अच्छा विकल्प बन जाता है, क्योंकि इस बजट में कोई भी ब्रांड आपको 5-स्टार रेटिंग का एसी अवेलेबल नहीं कराएगा फिलहाल। हो सकता है कि अपकमिंग डेज में आपको जो है वो काफी सारे मॉडल देखने को मिल जाए, लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो इस प्राइस में ये एक अच्छी डील है। और अगर आपके जो रूम की साइज है वो थोड़ी सी छोटी है तो भी आप इस एसी को अपने लिए कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का ख्याल जरूर रखिएगा कि बिफोर बाइंग इनके सर्विस सेंटर के बारे में पहले ही पता कर लीजिएगा ताकि आपको आफ्टर सेल सर्विसेज जो है वो गोदरेज की ओर से बहुत अच्छी देखने को मिले। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये वीडियो काफी हेल्प करेगा गोदरेज के इस एसी को अपने लिए परचेस करने के लिए। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को अपना प्यार देना मत भूलिएगा, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।